नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईशान और आप देख रहे हैं आयर ब्लॉग यूट्यूब चैनल। तो पहले ही मैं आप लोगों को पहले ही बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैंने ऐसी बहुत सी चीज़ें कही हैं जो आप लोगों को कहीं ना कहीं सोचने में मजबूर कर सकती है कि किस प्रकार जो किसान है हमारे इंडिया के, वो आज मरने के लिए छोड़े जाते हैं। अगर आपको एक कुछ अगर आपने न्यूज़ पढ़ी हो तो हाल ही में बहुत कम न्यूज़पेपर्स में ये न्यूज़ आई थी कि नासिक से 35,000 के करीब करीब किसान पैदल निकले थे मुंबई के लिए। उनकी कुछ मांगे थी, तीन मांगे थी मेन, और जिसको पूरा करने के लिए सरकार ने इतना बड़ा इग्नोरेंस का एक दीवार खड़ी करी। किसी न्यूज़पेपर, किसी भी ऑनलाइन या किसी भी सोशल साइट्स पे, और तो और न्यूज़ चैनल्स, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, जो छोटी सी बात को इतना बड़ा बड़ा देते हैं। ढिंचक पूजा जी को भी उन्होंने न्यूज़ पे लाए थे वो लोग कि उस लड़की ने क्या क्या किया। और जब हमारे देश का किसान जो हमारे लिए खाना बनाता है, खाना पैदा करता है, उसके बारे में कोई न्यूज़ आई जिसमें 35,000 किसान, 200 किलोमीटर लंबा है लगभग ये जितना भी रास्ता है नासिक टू मुंबई, 6 मार्च को वो लोग निकले थे और पैदल निकले थे। किसी भी प्रकार का उनको सपोर्ट नहीं था, वो आपस में ही अपने ही जो लोग हैं वो खुद एकदम पीसफुली वहाँ से पैदल निकले। 30 किलोमीटर एक दिन में कवर करते थे और उनके पैरों की फ़ोटोज़ अगर आप देखेंगे, ये लीजिए, देख लीजिए, उनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं, उनका पैर कहीं से कटा हुआ है, कहीं पे एक पैर में चप्पल है, कहीं पे नहीं है। और इतना बड़ा मतलब इनका काफिला था, पैदल निकल रहे थे, और किसी भी न्यूज़ चैनल ने इस न्यूज़ को कवर करने की नहीं सोची। अब जब हमारे किसानों ने बस तीन मांगे रखी, एक थी कि उनके जितने भी बिजली के और जितने भी और भी बकाया बिल्स हैं उनको पूर्णतः उसको माफ़ किया जाए, उनके जो पुराने कर्ज हैं वो भी माफ़ किए जाएं, और तीसरा कि उनको जो भी फसल वो उगाते हैं उसके लिए अच्छा प्राइस मिले। क्योंकि अगर वो लोग वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको बिल भरने के लिए भी तो पैसा चाहिए। आप लोग कहते हैं कि सरकार हमारी जो कहती है वो कहती है कि कोई अगर अनएम्प्लॉयड है वो जाके पकोड़ा बनाए, पकोड़ा बेचे। अरे भाई, पकोड़ा बेचने के लिए भी तो आप लोग को अनाज चाहिए जो कि किसान उगाते हैं। किसान ही नहीं रहेंगे तो फ़ायदा क्या। आज हम लोग भी किसान हैं, हम लोग बाहर आ गए, अपने किसानी छोड़ के हम बाहर आ गए हैं, बाहर के देशों में आ गए हैं, बाहर अलग अलग सिटीज़ में आ गए हैं, बस गए हैं वहीं पे, और हम लोग पैसा कमाते हैं। और जब बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, हम अपने जितनी भी खेती की ज़मीन थी उसको बेच के बिल्डर बन जाते हैं, पैसा कमाते हैं। पर भाई, अगर आप लोग को खाना खाने के लिए भी तो किसान ही उगा रहा है सब्ज़ी, आप खुद तो नहीं उगा रहे हैं कोई भी अनाज। पैसा खाएंगे आप, पानी पी के ज़िंदगी निकाल लेंगे, हमको भी तो सोचना पड़ेगा। किसी एक व्यक्ति ने भी इस चीज़ को नहीं उठाया, और अगर इसके बाद उठाया तो बहुत अच्छी बात है। आप पूरी रिपोर्ट देख रहे हैं मेरे आगे, मेरे एकदम चल रही है मेरे, सिर्फ आप ऑडियो सुन रहे हैं। ये देखिए कितना लंबा काफिला है, हम मुंबई पहुंच चुका है अभी, ये जिस दिन वीडियो लॉन्च हुई उस दिन वो पहुँच चुके हैं। अब आप लोग ये बताइए, क्या जो किसान ये लोग कर रहे हैं ये ठीक है या गलत? और सरकार जो इतना अवॉइड कर रही है इनकी मांगों को लेकर, ये तो बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि किसान ही नहीं रहेगा तो भाई खाना कहाँ से मिलेगा? बाहर के देशों में अगर आप जाएं तो जो फार्मर्स होते हैं उनको एक अलग ही रिस्पेक्ट से देखा जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है कि ये ही है हमारे जीने का कारण। हम जो आज कंज्यूम कर रहे हैं प्रोटीन्स, जितनी भी चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं वो इनका ही तो दिया हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, पर हाँ, जो बड़े चैनल्स ने जिन जिन ने कवरेज नहीं करी और जो बड़े डिज़ाइनर पत्रकार लोग थे उन्होंने जिस इस चीज़ की कवरेज नहीं करी उन पे लानत है। आप लोगों ने इतनी बड़ी चीज़ को आपने मिस किया, और आपने क्या क्या दिखाया? होली का सेलिब्रेशन दिखाया और बहुत सी चीज़ें दिखाई, पर इसको नहीं दिखाया। आई होप वीडियो पसंद आई, इसको शेयर करो ताकि हम उन लोगों को भी बता सकें जो कि हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं उन किसानों को। और अगर आप लोग बोलेंगे किसानों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं होगा, उनके सपोर्टर्स बहुत भी लोग हैं, और मैंने बहुत से कमेंट्स में देखा है कि लोग बोलते हैं कि वो गरीब है, उनके पास नहीं है। उनको गरीब बनाने वाले भी तो हम ही हैं। कीप दिस थिंग इन माइंड कि हम लोगों की, उन लोगों की वजह से हम हैं।
ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।